अपकमिंग एग्जाम्स, तो प्लीज डू नॉट लीव द सेशन। Yes, is it visible to everyone? Whiteboard is visible? Yes. Okay, see, the today's topic is what? English language. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम, सपोज अगर आप बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम, मे बी इंश्योरेंस एग्जाम और मे बी SBI एग्जाम, एनी काइंड ऑफ बैंक एग्जाम और एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस एग्जाम, सो एवरी वन नोज दैट बैंक एग्जाम डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, एक होता है प्री और एक होता है मेन्स, राइट एवरी वन? ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। इंग्लिश काफी INP टॉपिक है, वेयर बहुत सारे स्टूडेंट स्कोर करने के लिए स्कोर नहीं कर पाते हैं। सपोज अगर आप प्री में, अगर इफ यू ट्राइंग टू गो फॉर अ क्लरिकल, यहाँ पर क्लर्क लिख दीजिए और यहाँ पर PO लिख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा अगर आप क्लरिकल के लिए ट्राई कर रहे हो तो प्री में देर विल बी 30 क्वेश्चन, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, और मेन्स में स्टूडेंट्स अगर आप जाओगे क्लरिकल के मेन्स में तो इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होंगे। यस, ये ध्यान में रख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन ओनली क्वेश्चंस इज व्हाट, 10। अगर आप असिस्टेंट लेवल के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्री एग्जाम में देयर विल बी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, वन क्वेश्चन फॉर वन मार्क, एंड यू विल गेट ओनली 20 मिनट्स, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 20 मिनट्स। ये मैंने आपको इनिशियल बताया हुआ है बट स्टिल मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, बट वेन अगर आपका प्री क्लियर हो गया और आप मेन्स के लिए क्वालिफाई हो गए देन देयर विल बी 40 क्वेश्चन इन इंग्लिश and you will get separate 35 minutes for that, which is sufficient. Yes, ye ho gaya assistant ke liye. Now we'll talk about PO. PO means nothing but what? Probationary officer, jise abhi naam diya gaya, assistant manager, also called what? Grade A. To ye probationary officer mein likh deta hu PO, which is famous name PO. PO mein pre ke liye again the same pattern, 30 question and you will get 20 minutes. ओके, एंड मेंस में अगर आप जाओगे सो देयर विल बी ओनली 35 क्वेश्चंस, बट देयर विल बी 40 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस, सॉरी, एंड यू हैव 40 मिनट्स, यस, व्हिच इज अगेन सफिशिएंट। सो स्टूडेंट्स ये पैटर्न कहीं पर लिख के रख लीजिए, तो आपको पहले चीज ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं और मुझे कितना समय मिलने वाला है। दिस इज योर बिगिनिंग, यहां से आपकी शुरुआत होनी चाहिए कि भाई अगर मैं बैंक एग्जाम के लिए, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक एग्जाम लाइक SBI, RBI, NABARD, असिस्टेंट मैनेजर। सो मैंने ओवरऑल बैंक एग्जाम पकड़ा हुआ है जिसमें SBI भी आएगा, इंश्योरेंस भी कवर होगा, IBPS भी कवर होगा और RBI असिस्टेंट भी कवर हो जाएगा, तो सारे बैंक एग्जाम, इवन कॉपरेटिव ऑल्सो कम्स अंडर दिस। तो हमने सारे एग्जाम्स के बारे में बताया यहाँ पर, वन मिनट। तो प्री में अगर आप असिस्टेंट लेवल के एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो, ओके, बट लेट मी टेल यू, ये IBPS RRB का जो आया है स्टूडेंट, उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, ओके, दैट विल डिस्कस इन डिटेल, उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, मैं वो आप लोगों को डिस्कस करूंगा After the sessions, ये clerical है और students ये PO का pattern है। Clerical में pre में 30 questions रहेंगे English के, mains में रहेंगे 40 questions, PO में 30 questions रहेंगे, same pattern रहेगा, 20 minutes will get, और यहाँ पर 35 questions and 40 minutes will get. Is this clear everyone? शुभम, यहाँ पर subject wise passing नहीं होता है, यहाँ पर अभी फिलहाल तो oral passing है, there is no sectional wise cut off and that depends. मेंशन किया रहता है नोटिफिकेशन में। सो बिफोर यू अप्लाई, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, बिफोर यू गो, बिफोर यू अप्लाई टू एनी, किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे तो प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन, जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है
वो आपको क्लियरली पढ़ना है, रीड दैट केयरफुली एंड देन ओनली गो फॉर ऑनलाइन. अदरवाइज अगर आप इलिजिबल हो, सारी चीजें पढ़ो एंड देन आप उस एग्जाम्स के लिए अप्लाई करो. यस, अब देखते हैं इसमें टॉपिक्स हमें क्या क्या कवर करने. देख लीजिए, यस, प्रणीत ने सही पूछा है, प्रणीत एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रणीत ने ये पूछा है कि अगर सर समझो इंग्लिश है और रीजनिंग है और मेरे पास मैथ, मेरे पास तीन सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में मेरे पास अगर 20 मिनट्स मिले हैं, तो सपोज अगर आपका इंग्लिश 15 मिनट में हो जाता है, आपके पास 5 मिनट बचे, तो ये 5 मिनट आप यहां पर दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते स्टूडेंट. अगर आपका इंग्लिश 10 मिनट में भी हो गया, लेकिन जब तक 20 मिनट्स खत्म नहीं होते, आप इस सेक्शन से बाहर नहीं निकल पाओगे. इज दिस क्लियर प्रणीत? सो आपके पास 20 मिनट दिया है, जब तक आपके 20 मिनट्स खत्म नहीं होते, आप ये सेक्शन के पास नहीं जाओगे. तो आपने ये 10 मिनट में भी फिनिश किया रहेगा, स्टिल यू हैव टू वेट व्हाट टिल योर टाइम गेट फिनिश. जैसे आपके 20 मिनट्स ओवर हो गए, देन ओनली यू विल स्विच ओवर टू व्हाट नेक्स्ट सेशन, एंड देन एवरी सेक्शन यू विल गेट व्हाट 20-20 मिनट्स. ऐसे मिला के आपको 60 मिनट्स है. इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ पैटर्न लिख लीजिए कि क्या हमें करना है. इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. यहां पर मैंने 30 लिख दिया है, जिसमें से ये 25 क्वेश्चंस और ये 5 क्वेश्चंस, ऐसे डिवाइड करते हैं. दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट पैटर्न. यस, 25 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक होगा आरसी, जिसका फुल फॉर्म है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, विच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व. इट टेक्स टाइम बिकॉज हम जिस वे से पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ओल्ड मेथड, और जो हम लोग स्कूल से पढ़ते आए हैं, इट टेक्स टाइम टू सॉल्व सच टाइप ऑफ आरसी. एंड देन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपका 10-15 मिनट खत्म हो जाता है, एंड देन आपको इंग्लिश में यू वॉन्ट गेट मोर देन 4 मार्क्स ऑल्सो इन इंग्लिश. सो आरसी को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कैसे करना है, दैट वी लर्न टूडे. देन स्टूडेंट्स ये हो गया रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. देन आपका होता है क्लोज टेस्ट. देन आपका है पैरा जंबल. पैरा जंबल उसी को दूसरा नाम है स्टूडेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट. पैरा जंबल को दूसरा नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट. दिस इज स्टूडेंट नथिंग बट आरसी. ये अभी आ रहा है आपको 7 मार्क्स के लिए. क्लोज टेस्ट है 5 मार्क्स के लिए. पैरा जंबल है 5 मार्क्स के लिए. एंड राइट डाउन स्पेलिंग मिस्टेक्स. टोटल कितना हो गया देखो, 22 मार्क्स हो गया. और 3 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स अभी आ रहा है मैच द कॉलम. मैच द कॉलम ये थोड़ा सा नया पैटर्न है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं. मैच द कॉलम ये आ रहा है आपको 3 मार्क्स के लिए. क्लियर? तो ये एज ऑफ नाउ ये लेटेस्ट पैटर्न है. आरसी 7 मार्क्स, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड मैच द कॉलम. अब समझो यहां पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक और ये 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिख लीजिए ग्रामर एरर. मतलब यहां पर आपको ये पता चल गया कि ग्रामर को कितना वेटेज है. कुछ भी वेटेज नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस के लिए आप अगर पूरे ग्रामर पे अगर अपना टाइम वेस्ट करोगे तो देर इज नो यूज. आप अगर टाइम भी आपने दिया तो भी आपको 5 मार्क्स मिलने वाले, लेकिन जब तक आपका 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होता या 25 मार्क्स नहीं मिलते स्टूडेंट्स, आपके चांसेस कम होते हैं क्वालिफाई होने के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए. सो व्हाट इज योर टारगेट शुड बी टू स्कोर अबव 24 अप टू 25 इन ईच सेक्शन, तभी आपका स्कोर 75 एंड अबव होगा, एंड देन ओनली यू विल हैव अ चांसेस, आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा मेंस में जाने के लिए. होप दिस क्लियर एवरीवन. सो व्हाट इज योर फोकस शुड बी ऑन दिस टॉपिक्स. ये वाला टॉपिक पर आपको फोकस ज्यादा करना है. आरसी, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, स्पेलिंग मिस्टेक, मैच द कॉलम. अब समझो यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर नहीं आता है तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू. यहां पर एक हो सकता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. ये आपको हो सकता है 3 मार्क्स के लिए. और यहां पर होगा फिल इन द ब्लैंक्स. फिल Fill in the blanks, ये होगा 2 मार्क्स के लिए. यस, ऐसे ये डिवाइड कर सकते हैं. ओके, ये पैटर्न क्लियर सबको? तो ग्रामर सेक्शन पे ज्यादा फोकस मत कीजिए. ग्रामर, हाँ, लेकिन आपको ग्रामर का बेसिक क्या है,
पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसका आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। आपको देखो सिलेक्शन आपका तभी होगा स्टूडेंट कि आप, हम तो आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने खुद से क्या कर रहे हो, आर यू डिपेंडिंग ऑन अस? नो, बिकॉज आप कहीं पर भी ज्वाइन करो, कोई भी सिलेक्शन आपका करके देने वाला नहीं, सिलेक्शन आपको खुद को करना है। ये कब होगा, जब आप खुद से प्रिपेयर करोगे, खुद से पढ़ोगे, प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। हम पढ़ाएंगे लेकिन हमारे पढ़ाने तक आप वेट करोगे तो दैट इज रॉन्ग। तो आपको अगर मैंने ये क्लियर पिक्चर कर दिया है कि 25 क्वेश्चन इन टॉपिक पे है, 5 क्वेश्चन खाली इस पे है, तो व्हाट इज योर फोकस शुड बी ऑन, कि मुझे अगर ग्रामर एरर्स के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो मेरे लिए ग्रामर एरर खाली 5 मार्क्स का है, तो ग्रामर एरर्स में ज्यादा करके क्वेश्चन किस पे आते हैं, तो वो आपको पहले पता होना चाहिए, तो उस पे ज्यादा फोकस। तो ग्रामर एरर्स में पहले क्या कवर करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रख लीजिए। तो ये पैटर्न क्लियर हो गया, यस, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अब कुछ ग्रामर एरर के पॉइंट्स लेते हैं। Yes. आप में से मुझे कौन बताएगा, ये मैंने जो ग्रामर का स्पेलिंग लिखा है वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग? यस, तो प्रियंका, ग्रामर का स्पेलिंग सही क्या होना चाहिए? Yes. देखो जिन्हें लग रहा है ग्रामर का ये स्पेलिंग करेक्ट है तो वो 100% सही है। देखो आप लोग इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप लोगों को अगर ग्रामर का स्पेलिंग ही पता नहीं है स्टूडेंट, तो फिर आप लोगों के लिए इंग्लिश में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर, जो मैंने लिखा वही सही है। और बचपन से बहुत लोगों को यही लगता था कि ग्रामर का स्पेलिंग है GRAMMER, ये एक्चुअली गलत है स्टूडेंट्स, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, ग्रामर डालिए तो आपको GRAMMER आएगा, गूगल इट इज अ सर्च इंजिन है, आप कुछ भी सर्च कीजिए आपको मिलेगा। ओके, आप में से किसी को पता है हु इज द CEO ऑफ गूगल? एनीवन नोज हु इज द CEO ऑफ गूगल? यस, नितेश ने बोला है सुंदर पिचाई, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए स्टूडेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ओके, सुंदर पिचाई, ओके, हु इज ही, एनीवन नोज हु इज ही इज व्हाट? नहीं, वो तो सभी को पता है, ही इज एन इंडियन, बट बेसिकली बाय प्रोफेशन हु इज ही इज एन IITian, वो IIT है, फ्रॉम व्हाट, खड़गपुर से है, यस, IITian है खड़गपुर से। Anyone knows how much is earning in a year? उसका अर्निंग कितना है स्टूडेंट? Anyone knows approximate, किसी को पता है वो साल में कितना अर्न करता रहेगा सैलरी? बिकॉज ही इज गेटिंग सैलरी बिकॉज ही इज अ CEO, ही इज नॉट अ ओनर ऑफ द कंपनी। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू स्टूडेंट, ही इज नॉट अर्निंग और ही इज अर्निंग नियरली अराउंड 2100 CR. Look at students, 2100 CR, what he is earning at present as a salary, which is nothing but कि बहुत सारे कंट्री का इतना बजट भी नहीं होता है उतना उसका साल भर का सैलरी है। एंड वी शुड प्राउड बिकॉज वॉट ही इज एन एडेंट, वो कौन है स्टूडेंट, ही इज एन इंडियन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे आते हैं और जितने भी टॉप मोस्ट कंपनीज है बाहर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, सत्या नडेला है, पेप्सिको है, सुंदर पिच, इंदिरा नुई है, सो बहुत सारे टॉप मोस्ट कंपनीज के जो CEO है वो सारे इंडियन है, ये ध्यान में रख लीजिए। सो दिस इज व्हाट ही इज अर्निंग, हम लोग इतना इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। एंड सेकंड, बहुत सारे कंपनीज का इतना टर्नओवर भी नहीं होता है जितना उसका ईयरली सैलरी। आई वुड रिक्वेस्ट अमीशा पावस्कर, प्लीज म्यूट योर माइक। चलो, ओके, नेक्स्ट। यस, नाउ स्टूडेंट्स,
आज आज हम लोग कवर करने वाले, राइट डाउन दिस, राइट, रीडिंग कॉम्प्रेंशन, प्लीज राइट डाउन दिस, रीडिंग कॉम्प्रेंशन, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, आरसी। यस, अब इससे कुछ ट्रिक्स है, कुछ टेक्निक्स है, उसको पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग रीडिंग कॉम्प्रेंशन के लिए जाते हैं, कैसे करना, दैट आई विल टेल यू। सो रीडिंग कॉम्प्रेंशन को पहले आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को हमें कैसे रीड करना है, केयरफुली, एंड क्विकली। क्लियर एवरीवन, रीड द पैसेज व्हाट, केयरफुली एंड क्विकली। केयरफुली क्यों, बिकॉज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, एंड व्हाई क्विकली, बिकॉज वी हैव अ वेरी लेस टाइम, तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि हमें हर एक टॉपिक के लिए या हर एक सब टॉपिक के लिए हमें 20 मिनट्स को डिवाइड करना है, कि मैं पैसेज के लिए कितना दे पाऊंगी या कितना दे सकता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। पैराजमल के लिए मुझे कितना देना है, क्लोज टेस्ट के लिए मुझे कितना देना है, ये आपको पता होना चाहिए। सो रीड द पैसेज केयरफुली एंड क्विकली। सेकेंड, स्टार्ट विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स। इमीडिएटली, जैसे ही आपका पैसेज रीड करके हो जाता है स्टूडेंट, स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर, ये इमीडिएट आपको करना है। थर्ड, डू नॉट रीड द पैसेज अगेन, ये आपको क्लियर हो गया, पैसेज को आपको फिर से रीड नहीं करना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड क्विकली, start with question answers immediately, do not read the passage again. What you will do, see, hum kya karte hai, we read the passage, then we jump to what, questions, we read that questions, and we try to find answer of that question in the given passage again. So particularly if there are 7 questions suppose, so what we do, we read the same passage how many times, 7 times, so it is a what, nothing but waste of time. So what is my suggestion to each and every student over here, what I'm telling you, just read the passage carefully and quickly, jump to immediate question answers, and what you do, try to find answers of the jo aapne question padha hai, option mein hi dekho, definitely you will get the answer of that question in that options, and once you read that passage completely and carefully and quickly, you are not supposed to read that again. Hope this clear everyone these points. Yes. अगर ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आरसी से। लेट मी टेक, okay, is this the passage visible to everyone? It is visible everyone? Yes students, agar aapko visible hai, jisko visible nahi hai, khali aapke screen ko thoda sa scroll ye kijiye to aapko aaram se dikhega. Okay, now let me tell you what you have to do, you have to read this passage carefully. इसे एक बार कंप्लीटली रीड कीजिए, रीड करने के बाद व्हाट वी विल डू, वी विल जंप टू क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू फाइंड क्वेश्चन ऑफ आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इन दैट ऑप्शंस ओनली, क्योंकि देखो आपको ये पता है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे देयर विल बी अ 5 ऑप्शंस एंड उसमें से 5 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन वुड बी वैलिड, और जो वैलिड रहेगा वो आपने ये पैसेज पढ़ा रहेगा और आपके माइंड में स्ट्राइक होगा।
Clear, everyone? So start reading this passage carefully, quickly. आप जो पढ़ रहे हो उसको माइंड में फिट कीजिए एंड वंस आपका रीड करके हो गया मुझे डन करके डाल दीजिए, मैं आपको फिर क्वेश्चन पे ले जाता हूं. Yes, Aishwarya done. Okay, we'll wait for others too. Okay, Priyanka ka bhi ho gaya. Very good. Okay, Vaibhavi done. Okay, great. Abhi almost sabka ho raha hai. Very good, very good. So student, aap logon ne dekha rahega, ye jo passage was very small and this was nothing but based on what story type. तो व्हेन इट कम्स टू क्लेरिकल में आपको स्टोरी टाइप आता है, व्हेन इट कम्स टू क्लेरिकल तो आपको पढ़ने को भी मजा आता है बिकॉज आपको मीनिंग समझता है एंड यू एंजॉय आल्सो व्हाइल रीडिंग इट. यस एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यस ओके. यस यस. अब ऐसे ही पैसेजेस आपको स्टूडेंट्स एग्जाम में आते, ये आया हुआ ही पैसेज मैंने लिया हुआ है. अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन पे. चलो यस, अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स. What is one? As mentioned in the passage, the Arab, अभी passage को पढ़ना नहीं, आपने जो पढ़ा ये option सारे पढ़ो, आपको याद हो जाएगा. As mentioned in the passage, the Arabs visited Vijaipur with his camel because वो विजयपुर क्यों आया था, क्या होगा option मुझे बोलो. He wanted to make the royal jealous of his court. It was his only mode of community. He wanted to give it to King Roya. ऑप्शन नंबर ए दिया है ओनली वन, बी वन एंड टू, सी ओनली टू, डी ओनली थ्री और ई नॉट क्लियरली मेंशन इन द स्टोरी. क्या होगा स्टूडेंट. यस वेरी गुड, वेरी गुड गाइस. देखो विदाउट रीडिंग अ पैसेज विद द हेल्प ऑफ ओनली ऑप्शंस आप लोगों ने सबसे इमीडिएट आंसर दिया कि सर ई होगा बिकॉज अरब ने विजयपुर विजिट किया था विथ हिज कैमल, ये मेंशन किया ही नहीं गया है. क्लियर एवरीवन, कैसे करना है, इज दिस क्लियर. प्रियंका क्लियर, वैभवी, मृणाल, यस. चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू. मुझे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताइए स्टूडेंट्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द अपोजिट इन मीनिंग. ओके पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सेकेंड को नहीं, पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर देखो अभी जिन्होंने भी आंसर दिया है वो भी करेक्ट, चलो ले कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग इन द वर्ड एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन का अपोजिट स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, क्रिटिसिज्म. यस मृणाल, सी अकॉर्डिंग टू यू डेप्रिसिएशन दैट इज द करेक्ट, बट यहां पर डेप्रिसिएशन दिया नहीं है. So what is going to be appreciation? मतलब क्या, किसी की, what do you mean by appreciation? Appreciation, it means what? Nothing but किसी की प्रशंसा करना, किसी के बारे में अच्छा कहना. Yes, very good. To praise. So what is going to be opposite word? Criticize. Clear, Mrunal Desh? So यहां पर देखो आपका एक मार्क फिक्स हो गया, यहां पर आपका एक मार्क फिक्स हो गया. Okay, now let's see, come to question number third. Which of the following can be suitable title of the story? अभी यहां पर तीन दिए हैं और आगे दो है. मैं आपको ये पहले तीन पढ़ लीजिए फिर मैं आपको आगे के दो, टोटल देर आर फाइव. देन यू डिसाइड आपका आंसर क्या होगा. What is the question?
which of the following can be suitable title of the story. हमें आपने स्टोरी पढ़ा है, अब आपको फाइंड क्या करना है कि उसका सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है. देखो एक है द अगली कैमल ऑफ विजयपुर, फॉरगेटफुल अरब, द अरब एंड हिज आइडियाज, एंड नेक्स्ट देख लीजिए यहां पर दिखा देता हूं आप लोगों को. यस, फोर्थ वाला है वीटी जगन, और फिफ्थ है जगन एंड हिज वेल्थ. व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन स्टूडेंट? ये सबका आंसर फोर आया है. व्हाई इट इज फोर? बिकॉज ये जो वीटी बोला है, वीटी, हु विल टेल मी व्हाट डू मीन बाय वीटी? वीटी का मतलब होता है क्लेवर. यस, भारती ने सही बोला, जिसे हम लोग कहते हैं चाला, क्लेवर, हुशार. अब वीटी जगन क्यों बोला गया है कि राजा, राजा ने उसे जो कमिट किया था और राजा वो कमिटमेंट भूल गया, बट वीटी ने उसे वे निकाला कि राजा को मैं वो कमिटमेंट कैसे याद दिलाऊ. दैट इज कॉल्ड व्हाट? इसीलिए उसे कहा जाता है वीटी जगन. यस, नाउ सी फोर्थ में दिया है स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग टू द वर्ड टोकन. का सेम मीनिंग क्या होगा बोलो मुझे, टोकन का सेम मीनिंग? Yes. अब टोकन का मतलब यह होता है कि किसी को कुछ गिफ्ट देना या किसी को कुछ देना या वो उसे याद रखे. अब यहां पर देखो टोकन का मतलब, अभी यहां पर देखो सिम्पटम तो होगा नहीं. अगर आप समझो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो पहले आप क्या करो, जो नहीं हो सकता उसे डिलीट करो. सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूं मैं आपको. अब देखो क्ल्यू नहीं होगा, क्ल्यू का मतलब अलग होता है. क्ल्यू मतलब जो जगन ने राजा को जो क्ल्यू दिया और राजा को उससे याद आया, और वो कोट देने के बाद टोकन दिया, टोकन ऑफ व्हाट? एप्रिसिएशन किया उसके लिए, उसने वो राजा ने उसको जो बोला था कमिटमेंट उसको दे दिया. सिंबल भी, ये सैंपल नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, तो बचा कौन सा? बाय डिफॉल्ट सिंबल ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है. Yes, fifth का आंसर बताओ. फिफ्थ का, which of the following statement is true in the context of the story? क्या true होगा? Yes. यहां पर क्या होगा, द रेसिड विच ऑफ द फॉलोइंग? यस, द रेसिडेंट विजयपुर वेर फॉन्ड ऑफ कैमल्स, नहीं ये गलत है. द किंग डिड नॉट थिंक दैट द कैमल वॉज ब्यूटीफुल एनिमल. यस, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि किंग को लगा बिकॉज उसके ऊपर, कैमल के ऊपर वो था जिसके लिए वो कह रहा था कैमल वॉज नॉट ब्यूटीफुल एनिमल, और ये सेंटेंस करेक्ट है. तो जिनको भी, जिन्होंने, जिन्हें भी लगता है टू आंसर है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. Then देख लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लीजिए. सिक्स, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग वर्ड एलोकेट. व्हाट डू मीन बाय वर्ड एलोकेट? का मीनिंग क्या होगा? एलोकेट मतलब क्या करना? यस, एलोकेट मतलब किसी को काम सौंपना, किसी को देना. यस, प्रणीत, दीप, प्रियंका, भारती, जिन्होंने भी आंसर दिया हुआ है, यस, मृणाल ने सही बोला. अलोकेट मतलब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है या किसी को देना है, किसी को सौंपना है. मतलब हमने ये काम इन लोग को कर दिया. तो यहां पर व्हाट इज द करेक्ट? देखो अलाउ नहीं होगा, विथहोल्ड भी नहीं होगा, नॉमिनेट भी नहीं होगा, असेंबल भी नहीं होगा. व्हाट इज असाइन? असाइन मतलब हर एक को अपना अपना काम दे देना है. व्हाट इज द करेक्ट वर्ड? असाइन. तो जिन्हें भी टू लग रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, नेक्स्ट देख लीजिए. Yes. As mentioned in the story, the king of Vijaypur was impressed with which of the following qualities of Jagan? Jagan ke kaun se quality se the king of Vijaypur was got impressed? Tell me fast. Yes, Priyanka ka sabse pehle answer aaya hai, followed by Pranit. Very good. Yes, Bharti, Deep. What was the quality of Jagan?
जो किंग को पसंद आई यस हिज एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट क्विकली यस दिस इज द करेक्ट बिकॉज ही वॉज वॉट क्लेवर और उसी लिए कहा गया था उसे ऊपर क्या बोला गया था स्टूडेंट्स विटी जगन यस यस यहां पर क्या होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरली अपोजिट मीनिंग अम्यूज के अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट अम्यूज के अपोजिट यस यस वेरी गुड अम्यूज्ड देखो अम्यूज्ड पहले चीज ओके सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि अम्यूज का मीनिंग क्या होगा कौन बताएगा मुझे व्हाट डू यू मीन बाय अम्यूज्ड मीनिंग एनीवन यस मुनाल ने सही बोला अम्यूज का मतलब ये होता है अमेजिंग फन समथिंग टू डू लाइक थिंकिंग दैट समथिंग इज फनी फनी wanting to smile, laugh, exactly, Kanchan, सही, तो वहां पर amuse का meaning ये होता है तो उसके opposite देखो क्या होगा annoyed, annoyed मतलब क्या होना nervous हो जाना excitement नहीं रहेगा clear everyone, तो exactly amuse का meaning यहां पर होगा annoyed, yes. Yes. अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलो क्या होगा एज मेंशन इन द स्टोरी किंग रोया कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट एक दिया है फॉरगेटफुल एंड मिसरली अ किंग हु बिलीव्ड इन रीकार्नेशन थर्ड ऑप्शन शायद पीछे होगा यस यहां पर देखो पांच ऑप्शन दिए है थर्ड है A cruel king who always sees people's camels, somebody who was disliked by everyone in the town, and a just king who stood by his word. क्या हो सकता है? Yes, first वाला होगा. Very good. Yes, and 10 का आंसर बोलो 10 का. As mentioned in the passage, Jagan narrated the story of the camel to King Roya because. Why Jagan has narrated the story of camel to King Roya? Yes, absolutely correct. See, he wanted the King Roya to fulfill his forgotten promise. Jo promise wo bhul gaya tha aur use wo yaad dilana tha. So students, what we have done, humne yahan tak abhi 10 question kiye. See, look at the magic what we have done. ये हमने जब 10 क्वेश्चन किए हमने एक बार भी पैसेज नहीं पढ़ा क्लियर एवरीवन दिस सो आई डोंट माइंड कि आपको 8 मार्क्स मिले 9 मिले 7 मिले बट इससे हुआ क्या कि आपने आपके टाइम को सेव किया इज दिस क्लियर एवरीवन वी रेड ओनली वंस आफ्टर दैट वी डिड नॉट रीड दैट पैसेज अगेन इज दिस क्लियर एवरीवन यस नाउ व्हाट आई विल डू ओके विल टेक We'll cover one more passage. हम लोग और एक passage लेते हैं. Just a moment. Yes. इसे पर अब ये passage मैं आपको दे देता हूँ. Is it visible to everyone? थोड़ा सा lengthy passage है but easy है. यहाँ तक आप जब आ जाओगे यहाँ तक तो मुझे बोल देना done करके तो मैं आपको आगे वाला दिखा देता हूँ. Start reading.
ओके ये हो गया है डन. ओके चलो थैंक यू सो मच. यस यहां तक हो गया तो डन कर दीजिए. It's okay, it's done. Okay, great. Okay. What about others? Okay. I'll just show you last wala passage. Yes, ab ye wala last wala padho passage. यहां तक जस्ट रीड करो एंड जस्ट लेट मी नो. Okay, great student. Is this done? चलो now we'll start. अभी हम लोग करते हैं students question answer. Okay, अब आप लोगों ने पढ़ लिया उसे carefully पढ़ा quickly पढ़ा अपने mind में fit कर लिया है. अगर सब कुछ yes है तो we'll directly jump to question answer. See, पहले हम लोग question answer करते हैं students. यहाँ से बाकी का मैं अपने आपको बाद में antonym synonym बाद में करेंगे. चलो ये देख लीजिए question number 6 पहला पढ़ो. What is in six students? One morning, John found a man knocking on his door. Who was that man? Tell me fast. One morning, John found a man knocking on his door. Who was that man? Yes, सबने सबने answer दिया four. आपका एक mark यहाँ पर fix हो गया student. A man with carpenter toolbox. Yes, absolutely correct student. Absolutely correct. Yes. Now let's see question number 7. What made John plan to erect 8-foot high fence? ऐसा क्या हुआ कि जॉन को 8 फुट का हाई फेंस बांधना पड़ा इरेक्ट. ये यहां पर देखो लेट्स टेक इसका ऑप्शन देख लेते हैं. यस बोलो नाउ वी हैव अ 5 ऑप्शंस. टेल मी क्या होगा. यस सबसे पहले आंसर दिया है भारती ने. वेरी गुड. क्या है वाई इज डिसाइडेड टू इरेक्ट 8-foot फेंस बिकॉज एंड्रयू क्रिएटेड अ क्रीक इन प्लेस ऑफ मेडो एंड जॉन डिसाइडेड टू फेंस एज ही ओन्ट नीड टू सी हिज प्लेस और हिज फेस. यस ऑप्शन नंबर सेकंड. जिन्हें भी सेकंड लगता है उनका और एक मार्क फिक्स हो गया. टेल मी क्वेश्चन नंबर 8 का मीनिंग क्या होगा. व्हाट मेड जॉन एंड एंड्रयू रिकंसिलिएट. ऐसा क्या हो गया कि दोनों साथ में आ गए. Yes, absolutely, absolutely correct. Yes, Manali, Tejaswini, everyone is giving answer. Absolutely correct. I'm really feeling very good that you guys are really super. What made John and Andrew reconciliate? The build bridge built by carpenter. So, student, this is the way towards your towards. This is the way approach towards your what? RC. If you do like this, if you do regular practice, okay, then definitely you'll able to save your time and you can able to score very good marks. Yes. Let us see question number 9.
वॉट शुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज, क्या होना चाहिए? एक मिनट है स्टूडेंट्स, एप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए? यस डेफिनेटली ये होगा. यस वेरी गुड वेरी गुड. कारपेंटर्स वीट एंड फार साइट. यस दैट्स रियली ग्रेट. तो हमने शायद चार क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स, और चारों के चारों क्वेश्चंस के आपके आंसर राइट आ गए. फार साइट का मतलब ये होता है मुनाल कि दूर का सोचना, मतलब आने वाले समय के लिए भाई आफ्टर 5 इयर्स 20 इयर्स क्या होगा. लेट मी सी, आप लोगों को फार साइट का मीनिंग एक समझा देता हूं. सी फार साइट का मतलब ये होता है, आप लोगों में से नारायण मूर्ति किनको पता है? इफ आपको पता है तो हुई जी नारायण मूर्ति का नाम सुना है किसी ने? एनीवन? यस बट ही इज नॉट फेमस एज इज सुधा मूर्ति हस्बैंड. ही इज फेमस बाय व्हाट? नारायण मूर्ति इज फेमस एज अ व्हाट? चेयरमैन ऑफ व्हाट? इंफोसिस कंपनी. नो नीतीश, ही इज नॉट जज. नारायण मूर्ति इज व्हाट? चेयरमैन ऑफ व्हाट? इंफोसिस कंपनी. आई एम टॉकिंग अबाउट इंफोसिस कंपनी के नारायण मूर्ति. सी when did he started his company? He started his company what, 20-25 years back. Look at a vision of that man. There were 7 persons and Narayan Murthy bought 10,000 or borrowed, we can say borrowed 10,000 from his wife. And his wife is what? Who is his wife? Sudha Murthy. And he started his company and the name of that company is what? Infosys. And that person knows in India when he started 25 years back, that time IT was not that, like utna height nahi tha. But farsight ka matlab ye hota hai ki he was no ki 20 years ke baad in India the IT will boom. And look at now, where is Infosys company? More than 5 lakhs people working in that Infosys company. So this is called what students? Vision. This is called what? A farsight. This is called what? Durdrushti. Ki 20 saal ke baad क्या मार्केट हो सकता है? आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका आफ्टर 20 इयर्स क्या होगा, वो नारायण मूर्ति को पता था. एंड स्टिल ही इज देयर एंड स्टिल ही इज द चेयरपर्सन ऑफ दैट होल ग्रुप. यस नाउ विल स्टार्ट स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन जो हमने मिस किए थे. चूज द वर्ड कंपनी. यस फॉल अपार्ट. व्हाट डू मीन बाय फॉल अपार्ट? दिस इज व्हाट? मोस्ट सिमिलर. आपको सिनोनिम ढूंढने, मोस्ट सिमिलर. फॉल अपार्ट का मतलब होगा स्टूडेंट्स बिकम नॉन एग्जिस्टेंट. दिस इज द करेक्ट वर्ड. फॉल डाउन नहीं होगा, बिकम बिटर नहीं होगा, एक्सेलरेट भी नहीं होगा, एक्टिवेट भी नहीं होगा. आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है. व्हाट डू मीन बाय मेडो? मेडो का क्या हो सकता है? यस एब्सोल्युटली करेक्ट. ग्रासलैंड जो ऑलरेडी पैसेज में दिया हुआ है. एंड व्हाट डू मीन बाय बान? एनीवन नोज मीनिंग ऑफ बान? बान मतलब होता है स्टूडेंट अ टाइप ऑफ अ बिल्डिंग वेयर एनिमल केप्ट. यस ग्रेट. यस नाउ स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है अपोजिटिव मीनिंग. टेल मी व्हाट डू मीन बाय स्पाइट? Yes. What is the correct one? Please is the correct. Very good. Yes.
आप देखो स्पाइट का मीनिंग क्या होगा, हु विल टेल मी सिमिलर मीनिंग ऑफ स्पाइट, दैट इज नथिंग बट अनॉय, किसी को अपसेट करना, ये हो गए मीनिंग जो यहां पर दिए देखो ये वाला. और अपोजिट क्या होगा, प्लीज, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना. रिकंसिलेशन का मतलब क्या होगा, रिकंसिलेशन का अपोजिट, रिकंसिलेशन मतलब साथ में होना, तो अपोजिट क्या हो सकता है, यस, डिसएग्रीमेंट मतलब फिर से अलग हो जाना, यस, वेरी गुड वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स ये वाला क्या, ये वाला पैराग्राफ क्लियर हो गया आप लोगों को, इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके अब थोड़ा सा ओके अब हम लोग अभी तक हमने जो पैसेजेस किए बेस्ड ऑन व्हाट स्टोरी टाइप, अब थोड़ा सा चलते हैं स्टूडेंट्स हायर लेवल पे. यस वो ट्राई करते हैं. अब आपको अब हम आपकी टेस्ट लेते हैं. यस स्टूडेंट अब ये वाला देखो पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा. यस ये पीओ लेवल का पैराग्राफ है. इसमें से जो वर्ड्स है कभी आप लोगों ने सुने भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये अगर आप रेगुलर रीड करते रहोगे पेपर्स या न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते रहोगे, व्हाट डू मीन बाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, या क्लोजनेस का मतलब क्या होता है कि आपके डेली रूटीन में जो हैपनिंग होता है, जैसे अभी बीच में कोविड आया था, इट मे देयर मे बी अ पैसेज ऑन कोविड, तो जो जो चीजें होती है उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ होता है और वो आपको सॉल्व करना होता है. दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिजायर टॉपिक्स व्हिच आर लाइक हैपनिंग करंट सिचुएशन पे. तो इसे रीड करिए, यहां तक आप आओगे तो डन कर देना है. रीड इट केयरफुली, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. ओके हो गया है आप लोगों का. ओके यहां तक पढ़ो स्टूडेंट. Okay, it's done.
यस अब स्टूडेंट्स ये वाला पढ़ो, लास्ट वाला पैरा पढ़ो यहां तक. अ रिसेंट स्टडी फ्रॉम द पॉवेल लैब एट एल यूनिवर्सिटी हैज सिंस कंफर्म दैट सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द जीएम मॉस्किटोस डिडंट सकम टू द सेल्फ लिमिटिंग लेथल जीन एंड सर्वाइव टू एडल्टहुड. दे वर एबल टू ब्रीड विथ नेटिव मॉस्किटोस एंड देयर बाय इंट्रोड्यूस सम ऑफ देयर जीन्स इन टू दी. हो गया ये. यस और ये वाला पढ़ो यहां तक. Yes, students. Clear, everyone? Okay. अब आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप उसका आंसर आप अपने बुक में मार्क करो ए और बी, देन हम लोग उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके कितने राइट आ रहे हैं. देन आई विल आस्क यू टोटल नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन. क्लियर एवरी वन? इज दिस क्लियर एवरी वन? आप अभी कोई भी मुझे आंसर नहीं बताना है. यस yes. अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 71 पहले देख लीजिए. वॉट इज 71 स्टूडेंट्स? Why are mosquitoes considered as one of the deadliest living creatures on earth? Yes. अगर ये उसका आंसर अगर आप लोगों ने बुक में मार्क किया होगा ए बी सी उसमें से कुछ भी हो यस कर दो, मैं आपको 72 वाला क्वेश्चन दिखाता हूं. क्वेश्चन 71 इज वॉट? Why are mosquitoes considered as one of the deadliest living creatures on earth? यस नेक्स्ट देखते हैं 72 वाला. देखो व्हाट इज वन ऑफ द मेथड्स बीइंग डेवलप्ड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोस. व्हाट इज वन ऑफ द मेथड्स टू डेवलप व्हाट और टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोस. यस आपको नितेश आंसर नहीं बताना है, आपको आंसर नहीं बताना है, आप अपने बुक में मार्क करो फिर हम लोग एंड में क्रॉस वेरीफाई करेंगे. 73 देखो 73. व्हाट कैन बी पोटेंशियल साइड इफेक्ट और इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो ऑफ्थ्रिन. साइड इफेक्ट क्या, पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो आप मार्क करो. Which of the statements can be considered as true with respect to the passage given? Okay, uska next passage pe jayenge. I'll read that question again. Which of the statements can be considered as true with respect to the passage given? Yes. Dekho, ye hai. Yes. Kya ho sakta hai? नेक्स्ट 75 भी कर लो, दिख रहा है तो. व्हाट इज द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग
genetically modified mosquito that is called GM containing the self-limiting gene. उसका डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा आप जब अगर जीएम मॉस्किटोस को अगर कंटेनिंग सेल्फ लिमिटिंग जीन को अगर रिलीज करते हो सो व्हाट वुड बी द इफेक्ट एंड दैट शुड बी व्हाट डिजायर्ड इफेक्ट ये आपको पता होना चाहिए. ओके हैव यू डन विद 75? ओके अगर डन हो गया तो यस कर दीजिए. नो प्रॉब्लम प्रियंका टेक योर टाइम. Okay, it's done, everyone. Priyanka, it's done. Okay, let's move to question number 76. Okay, 76 की options मैंने गलत दिए. यहाँ पर K की जगह A होगा. खाली K का A कर दो. Yes. Which of the following word similar to deadliest? पहला word है fatal, D meaning fulfill, harmless. Yes, हो गया रहेगा आपका 76. Let's move 77 पे भी जाते हैं. आपको 76 भी दिखेगा. Okay, साथ में 77 भी कर लो और इसको change कर लो ये passage. ये आपका A है, B है, C है, D है और E है. ओके ये क्लियर हो गया आप लोगों को. यस स्टूडेंट्स सो देयर वर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 देयर वर टोटल 7 क्वेश्चंस. नाउ वी विल चेक कि आपको कितना मार्क्स मिला है स्टूडेंट. चलो बी ऑनेस्ट जितना राइट आया रहेगा बता दीजिए. अब मैं 71 से स्टार्ट करता हूं. ये सबका हो गया 77 तक. प्रियंका इट्स डन. मृणाल, प्रणीत, वैभवी, तहरीन. चलो ग्रेट. ओके चलो. ओके 71 का आंसर में है ए. अगर करेक्ट है तो यस, करेक्ट हो तो क्लिक कर टिक कर दो एंड देन काउंट करो कितने राइट आ रहे हैं. 72 का आंसर है बी. आपके बुक में करेक्ट करो. डोंट टेल मी, मुझे बाद में खाली कितने राइट है बताना है आप लोगों को. 73 का है व्हाट कैन बी द ई. ए बी सी. ए बी सी. डी नहीं होगा, बाकी सात तीनों हो जाएंगे. 74 का एक मिनट.
74 का none of the above E होगा, 75 का A, यहां पर ये A है, A B C D E, A होगा first, a substantial reduction in the population of mosquitoes, which is what desired effect of what releasing genetically modified mosquitoes containing क्या होगा self limiting gene. 76 का A fatal, deadliest का मतलब fatal, deadliest nothing but dangerous. And 77 का meaning है D, A and C. Which of the statements can be considered as true? GM are able to introduce some of their genes into the ear, correct है. And Oxitec release its friendly mosquitoes in Brazil, which is correct. Okay, now tell me students, 7 में से 76 का मीनिंग है डेडलीएस्ट का मीनिंग है, डेडलीएस्ट का मीनिंग है फतल, फतल का मतलब होता है, फतल का मतलब होता है डेंजर, जानलेवा. आप उल्टा भी करोगे तो भी नहीं आएगा, देखो ये कुछ भी नहीं फिर होगा. तो 7 में से प्रियंका को कितने मिले, 6, वेरी गुड. सिद्धि 5, शुभम 6, वेरी गुड. प्रणीत 5, ईश्वरी 5, भाग्यश्री 5, भारती 5, वैभवी 5. ओके ग्रेट. प्रीति 5, गुड. दीप 4, हिना 5. ओके स्टूडेंट्स, इट्स रियली ग्रेट, दैट्स ग्रेट कि आप लोगों ने काफी अच्छा स्कोर किया है. दो पैसेज वर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पैसेजेस, बट स्टिल यू गाइज आर एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. Munal score 3 marks, no, not a problem Munal, but you need to do lot of, okay, so students, ये आप लोगों को clear हो गया, is this clear everyone कि passage को कैसे करना है, yes, तो आपको इसके assignments, आप reading comprehension के passage के assignments आज आपको मिल जाएंगे. I would suggest each and every participant, जितना आप passages को practice करोगे उतना ही आपका vocab भी develop होगा. आपको अगर passage पढ़ते समय अगर कोई word, नया वाला word अगर आप come across होते हो कि यार ये word मैंने कभी सुना नहीं है, तो वो word का immediately Google पे जाके उसका meaning देख लीजिए और उसे कहीं पर note down कर लीजिए. उससे आपका vocab भी develop हो जाएगा, क्योंकि passage समझने के लिए आपको पहले vocab आना जरूरी है. एंड वंस अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपके लिए पैसेज में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और आप लोगों ने अभी किया भी है. तो ये लेवल के स्टूडेंट पैसेज एग्जाम में आते हैं. सो आज हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक कवर किया, विच वॉज और विच इज, हाउ मेनी फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 7 मार्क्स के लिए था. एंड वी हैव डन विथ वॉट डिफरेंट वे, रीड द पैसेज ओनली वंस एंड देन ओनली जम्प टू वॉट क्वेश्चन आंसर्स. इज दिस क्लियर एवरीवन? Just one.